हाय गाइस, दिस इज़ सिमरन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड फेशियल वीडियो कि आप घर पे रहकर कैसे अपना फेशियल कर सकते हैं विद इंग्रेडिएंट्स जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल हैं। अभी अनलॉक टू हो गया है, बट स्टिल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ज़रूरी ना हो तो अपने घर से बाहर ना जाएं। इसलिए मैं आपके साथ ऐसा वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आप घर पे रह के अपना फेशियल कर सकते हैं और वो सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ जो किचन में ईजिली अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबसे पहले मैं एक हेयर बैंड ले रही हूँ और अपने हेयर्स को इससे पीछे टाई कर रही हूँ। ये स्टेप करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके बाल गंदे ना हों। हेयर बैंड की मदद से अपने सारे हेयर्स को पीछे सिक्योर कर लें और पीछे एक पोनीटेल बना लें या फिर क्लचों से अपने हेयर्स को सिक्योर कर लें। मैं यहाँ एक रबर बैंड ले रही हूँ और अपना पोनीटेल बना रही हूँ जिससे सामने कोई भी बाल नहीं आएंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप हम करेंगे क्लिंजिंग की। उसके लिए मैं ले रही हूँ रॉ मिल्क, कच्चा दूध लेना है आपको। मैं ले रही हूँ यहाँ 3 से 4 बड़े चम्मच कच्चा दूध। उसमें मैं ऐड करूँगी पिंच ऑफ टर्मरिक। हल्दी ऐड करना है आपको थोड़ा सा। इससे आपके फेस पे जो ब्लेमिशेस हैं, जो डार्क मार्क पिगमेंटेशन है, टर्मरिक को रिमूव करने में हेल्प करेगा। अब मैं हनी ले रही हूँ, ये डाबर हनी ले रही हूँ मैं, और फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ, 4 to 5 ड्रॉप्स। इसमें मैं हनी ऐड करके एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी और अपने चेहरे पे पूरे अच्छे तरीके से कॉटन बॉल की मदद से इसे लगाऊँगी। हनी ऐड कर लिया है मैंने और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं एक कॉटन बॉल ले रही हूँ और इसे डिप करके अपने फेस को अच्छे से क्लींस कर रही हूँ। डोंट वरी, आपका चेहरा स्टार्टिंग में थोड़ा सा येलोइश लग सकता है बिकॉज ऑफ टर्मरिक, बट ये कलर तुरंत ही चला जाएगा जब ठंडे पानी से आप अपना मुंह धोएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी गर्मी के दिन हैं तो टर्मरिक लगाने के बाद आप हल्के ठंडे पानी से अपना मुंह धो लें। अभी मैं क्लेंस कर रही हूँ अपने पूरे फेस को, चीक एरिया, फॉरहेड एंड आईज, अंडर आईज, जहाँ पे भी मुझे पिगमेंटेशन है, ब्लैक मार्क्स हैं, स्पेशली अराउंड माय लिप एरिया। अच्छे से आप क्लेंस करें। क्लेंसिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक प्राइमरी स्टेप है हमारे फेशियल का। सबसे पहले हमारे फेशियल की अच्छे से अच्छे से क्लेंसिंग होगी तो हमारा फेस आधा क्लीन पहले ही हो जाएगा। तो चलिए, मैंने अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब बारी है नेक की। कभी भी आप फेशियल करें या फिर मेकअप करें तो अपने नेक को बिल्कुल भी ना भूलें। नेक एरिया फेस एरिया से अलग बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। इसे मैं 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ रही हूँ। इसके बाद पानी से मैंने अच्छे से धो लिया है और मैं एक कपड़े की मदद से अच्छे से पोंछ लिया है। सेकेंड, हम बनाएंगे हमारा स्क्रब। स्क्रब के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ शुगर। मैंने ली है 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कॉफ़ी एंड नाउ रोज़ वाटर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज़ वाटर। आप थोड़ा सा रोज़ वाटर लेके इसे अच्छे से मिक्स कर लें और एक पेस्ट तरीके का बना लें। अब आप अपने पूरे चेहरे पर इस पेस्ट को लगाएं, इवनली पूरे चेहरे पर फैलाना है। नेक एरिया को भी बिल्कुल ना भूलें। पेस्ट को लगाते वक्त शुगर थोड़ा सा फॉल आउट हो सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप नीचे कोई भी न्यूज़पेपर या कोई टॉवल लगा लें जिससे आपके कपड़े गंदे ना हो, क्योंकि कॉफ़ी के दाग एक बार लग गए तो नहीं निकलेंगे। मैं अब अच्छे से अपने फेस को शुगर कॉफ़ी से स्क्रब कर रही हूँ। ये करने से आपका स्किन बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट होता है। ये हमारा सेकेंड स्टेप है, एक्सफोलिएशन। अब मैंने पूरे स्क्रब को अपने फेस पे अच्छे से लगा लिया है और मैं रब कर रही हूँ अपने फेस एरिया को, स्पेशली माय नोज, माय फॉरहेड, माय टी जोन, जहाँ पे भी मुझे ब्लैक हेड की प्रॉब्लम होती है, और अपने चीक्स को। अच्छे से रब करने के बाद आप 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से मुंह धो लें। ये स्टेप करने के बाद आपका चेहरा बहुत अच्छे से क्लेंस हो जाएगा। मैंने इसे 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया है। 2 मिनट के लिए आपको स्क्रब करना है, ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है वरना आपके चेहरे पे दाने आ सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम बनाएंगे फेस पैक। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, कपूर, कैम्फर आपको यूज़ करना है जो आप पूजा में यूज़ करते हैं। मैं ले रही हूँ एसेंशियल ऑयल एंड रोज़ वाटर। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ
रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, आपके पास जो भी एसेंशियल ऑयल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है चारों चीज़ों को मिक्स करके, और मैं इसकी एक मोटी सी लेयर अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पतला लेयर ना लगाएं, क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाएगा। अगर आप मोटा लेयर लगाते हैं तो ये देर तक आपके फेस पे रहेगा और आपके चेहरे को अच्छे से क्लेंस करेगा और आपके चेहरे पे एक ग्लो प्रोवाइड करेगा। कैम्फर आपके चेहरे से जो भी पिगमेंटेशन है वो रिमूव करेगा अराउंड योर लिप एरिया, योर अंडर आई एरिया। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन योर नेक एरिया। मैं फेस पैक को भी नेक एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं फिंगर की हेल्प से अपने फॉरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि कोई भी एरिया मेरा छूटे ना। फॉरहेड पे कुछ मुझे पिंपल्स हुए थे, उनके मार्क्स हैं अभी भी, बट वो बहुत इनविजिबल हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कैम्फर। मैं कैम्फर का जो फेस मास्क है वो रेगुलर यूज़ करती हूँ, यही मैं सजेस्ट कर रही हूँ। 20 मिनट हो गया है, मेरा फेस मास्क सूख गया है, अब मैं इसे अच्छे ठंडे पानी से धो ले रही हूँ। नाउ यू कैन सी हाउ माई फेस इज़ ग्लोइंग। मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल और हल्के हाथों से अपने चेहरे पे इसे अच्छे से मसाज कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग VLCC लिप बाम। आपके लिप को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है ये। नाउ यू कैन सी मेरा चेहरा कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। एलोवेरा जेल के अलावा मैंने कुछ भी अपने चेहरे पे नहीं लगाया हुआ है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।